अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम तीखी मिर्ची का अचार बना रहे, कोकनी तरीके से बता रहे तीखी मिर्ची का अचार। ये देखो, ये मिर्ची है, इसको धो के साफ कपड़े से पोंछ के देखे कैसी काट के ली है। ये आधा किलो मिर्ची है, ये 4 चम्मच भर नमक है। ये देखो, ये 4 चम्मच नमक है, 5 भी हो सकता है, क्योंकि ये आधा किलो मिर्ची है तो ज़्यादा नमक लगेगा। ये 2 चम्मच राय है, 2 चम्मच जीरा धरधरा पिसा हुआ है, राय धरधरी पिसी हुई है, और ये 1 चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच मेथी दाना है धरधरा पिसा हुआ, और ये लहसुन है, 5 लहसुन है, और विनीगर 3 चम्मच है, क्योंकि ये तीखी मिर्ची है, 3 चम्मच, और ये 1 प्याली भर है, मतलब 5-6 चम्मच ये धरधरा धनिया है, और ये 2.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची है। इसमें तीखी मिर्ची नहीं लिए, क्योंकि मिर्ची खुद तीखी है, इसलिए कलर देने के लिए ये मिर्ची लिए। अभी देखो, ये 2 चम्मच तेल डालेंगे, 2 या 2.5 चम्मच डालेंगे, ज़्यादा है ना ये इसके लिए। ये 2.5 चम्मच तेल डाले, अभी इसमें मसाला भुनेंगे। ये देखो, ये लहसुन धरधरा पीस के लहसुन लिए हैं, जितनी मिर्ची 1/2 किलो, तो ज़्यादा लहसुन है ये, क्योंकि लहसुन से बहुत टेस्ट आता है। दाल चावल के साथ मिर्ची का अचार निकालो, पेट भर बैठ के खाओ। आपको पहले मैं मोटी मिर्ची का अचार बताई हूँ, और पहले 8-10 महीना मैं पहले नींबू का अचार भी बताई हूँ, वो भी कोकनी तरीका है, ये भी कोकनी तरीका है। नींबू का बताई, कैरी का बताई, कैरी का मुरब्बा बताई हूँ, कैरी का खार बताई हूँ, मीठा खार अलग बना है बताई हूँ, और खारा हुआ खार अलग बताई हूँ। देखो सब मेरी रेसिपी, सब कोकनी तरीके से बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, मैं सब खाना बनाती। एक बार मेरी रेसिपी पूरी खोल के देखो, मैं किचन हाँ क्या क्या नहीं बनाई हूँ, वो अगर आपको जो बनाने का है बताओ, लेकिन जो बनाई हूँ वो मत बताओ। सब देखो, पहले देखो कलर बदली हो गया, अभी जल्दी जल्दी इसमें मसाले डालेंगे, गैस बारीक करेंगे। ये मेथी दाना है, ये राय है, जीरा है, ये राय है, अभी मिर्ची डालने की है, नमक डालने का है। ये देखो, ये मिर्ची डालेंगे, 3 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्ची है, अभी नमक डालेंगे, ये ज़्यादा मिर्ची है ना तो ज़्यादा नमक है। अभी इसको भुनेंगे, ज़्यादा नहीं भुनेंगे, ज़्यादा भुनेंगे ना, ज़्यादा टाइम रखने का है तो ज़्यादा भुनने का, ये अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो, 1/2 किलो मिर्ची तो जल्दी खलास होने वाली है, इसलिए ज़्यादा नहीं भुनने का। देखो खुशबू आ गई, मसाला भून के तैयार है, अभी मसाला इसमें मिला देंगे, पूरा अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें डाल के। ये मिर्ची है, इसमें पूरा मसाला डाल के मिक्स करेंगे, और फिर ठंडा तेल गरम करके रखे हैं ठंडा करने, वो छोड़ेंगे इसके अंदर। ये देखो, अभी ये तेल गरम करके ठंडा करे थे, हाँ 1 चम्मच डाले, ज़्यादा टाइम रखने का है तो 4 चम्मच डालो, और अगर जल्दी खाने का है तो 3 चम्मच डालो। ये देखो, तेल डाल दिए, अचार तैयार है। ये देखो, मिर्ची का अचार कोकनी तरीके से ऐसा बनाओ,
खाओ। अगर आपको अच्छा मेरा वीडियो अच्छा लगे, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो प्लीज। इसको कांच की बर्नी में भर के रखने का, ठंडा होने के बाद भर के रखेंगे तो बहुत दिन चलेगा, क्योंकि मसाला भुना हुआ है। हाँ, और फिर उसको खाने का, मिर्चियाँ अपो आप खुद ब खुद नरम हो जाएगी।